हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? रूपा एंड फैमिली चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे और सब भले चंगे होंगे। और देखिए, मैं मॉर्निंग का पूजा कर रही हूँ। मेरा मॉर्निंग का काम हो गया, मॉर्निंग रूटीन हो चुका है। अब ये मैं पूजा कर रही हूँ और पूजा करके मैं देखिए भोग लगा दी हूँ। और फूल आजकल नहीं मिलते इसलिए मैं फूल नहीं चढ़ाती, जब मिलता है तो चढ़ा देती हूँ। और ये देखिए, मेरा चाय भी बन रहा है, पूजा हो गया, अब मैं चाय बना ले रही हूँ। और आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। ये देखिए, चाय मेरा बन रहा है और चाय पीने के बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। चाय बन गया मेरा। ये देखिए, मेरा मिट्टू लोग नहा लिया है और मैं भी नहा के पूजा करके चाय पी ली हूँ। इन लोग भी नहा लिया है, इन लोग रोज़ नहा लेता है और इन लोग नहाने के लिए पूरा मतलब कि हल्ला करने लगता है नहीं नहाने से, इसलिए ये लोग रोज़ नहाता है। और ये लोग देखे नहा लिया सब। देखिए, मैं आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, सिंपल से आलू की सब्ज़ी। और आलू उबाल ली हूँ मैं, आलू लेके उबाल ली हूँ। और ये देखिए, टमाटर, आलू टमाटर की सब्ज़ी है। और हल्के हल्के मसाले भी डालूँगी। देखिए, सब टमाटर भी मैंने कट कर लिया है। और ये देखिए, आलू मैंने छील लिया है तो उबाल के छील के और इसमें छौंका लगा दिया है। और ये देखिए, जीरा और मिर्चा से मैंने छौंक दिया है। और ये देखिए, मसाले, मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, जीरा, धनिया, यही सब। और देखिए, मैंने मसाले में थोड़ा पानी डाल दिया घोल के। और उस अब मैं मसाले मिलाऊंगी, टमाटर मिला दिए, सब मिला के मैं थोड़ा आलू भूंज ली हूँ। और भूंज के उसके बाद मैं मिला दे रही हूँ इसमें, और मिला दे रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ। ये देखिए, थोड़ा पानी डाल के और मैं इसे ढक दूँगी। सिंपल सी आलू की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी मेरा तैयार हो जाएगा। और आलू टमाटर की सब्ज़ी मैंने पहले नहीं दिखाया था इसलिए। और आज एक देखिए, मेरा सब्ज़ी भी तैयार हो गया, कितना टेस्टी दिख रहा है। बहुत ही टेस्टी बना था और सिंपल सा, और बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। और ये देखिए, मैंने आटा भी लगा लिया है और मैं रोटियां बना लूँगी। देखिए, मैंने पूड़ी बना लिया, आलू टमाटर की सब्ज़ी और पूड़ी और आम। आइए आप लोग खा लीजिए, जिस जिसको पसंद है। सीजन का आम है तो मज़ा लीजिए। और आम अभी गर्मी में मिलता है, फिर बाद में नहीं मिलता है, इसलिए खाते रहिए, पूरे गर्मी इंजॉय करिए आम को घर बैठे। और ये देखिए, मैं मटर फुला रही हूँ, ये वाइट वाला मटर है, इसे पानी में मैंने डाल दिया है और पानी में डाल दिया। और आज आपके साथ एक नई रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ, आप लोग आगे पूरा वीडियो देखिएगा तब आपको पता चलेगा। और ये देखिए, मैंने मटर फुला के रख दिया है। और ये देखिए, ये फूल गया है, ये दूसरे दिन का क्लिप है और ये फूल गया है। तो देखिए, मैं इसको कुकर में धो दी हूँ अच्छी तरह, 3-4 पानी, और इसे कुकर में डाल के चढ़ा दी हूँ, थोड़ा नमक, हल्दी और तेल ये सब डाल के। और जब ये मटर हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें कुछ बनाने वाली हूँ, एक नई रेसिपी, आप लोग देखिएगा। और देखिए, उसके लिए मैंने मसाले भी निकाले हैं, लहसुन है और हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक, और थोड़े थोड़े ही मसाले मैं डालूँगी। ये देखिए, टमाटर एक डालूँगी और थोड़े से मसाले। ये देखिए है हल्दी और लाल मिर्च, जीरा और धनिया, बस। और ये देखिए, मैंने मिर्च काटा, अनार छीला है और भी है। और ये देखिए, मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दिया है। कढ़ाई चढ़ा के मैंने तेल डाल दिया। और ये देखिए, मसाले की ग्रेवी मैंने बना लिया है। और आलू नहीं दिखाया था मैंने, आलू भी डाला है, दो आलू छोटे छोटे डाले हैं। और ये देखिए, मसाले मैं भून ले रही हूँ अच्छी तरह से, ये देखिए। और भूनने के बाद मैं बस ये सारे मेरे मटर अच्छे से उबल गए हैं। और ये देखिए, अच्छे से उबल गए हैं पूरे मटर, देख लीजिए आप लोग। और मैं अब आलू भी देखिए, ये आलू है, मैंने आलू नहीं दिखाया था, आलू भी मैं दो ठो डालूँगी। और देखिए, कितने अच्छे से उबल गए हैं। और ये देखिए, मैं आलू भी मिला दे रही हूँ मसाले में और अच्छी तरह से भून ले रही हूँ। और ये नमक अपने स्वाद के अनुसार आप डालिएगा,
जितना आपको अच्छा लगे उतना नमक डालिएगा। और मैंने सारे मसाले मिला के और इसमें मटर डाल दिया है। और मैं बनाने वाली हूँ समोसा चाट, बनाने वाली हूँ उसका छोला मैं तैयार कर रही हूँ। और ये देखिए समोसा का भी मैं बना ली हूँ पहले। और ये देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और पानी डाल के और ये थोड़ा सा ढीला ही रहता है तो ठीक रहता है। इधर दूध मेरा गर्म हो रहा है। का पानी मैंने बनाया है, और प्याज कट करके रखा है, और हरी मिर्च है थोड़ी सी, अनार के दाने हैं, और चटनी है, ये देखिए लाल वाली चटनी है, और ये देखिए सेब है, सेब भी डाल देते हैं थोड़ा सा। और ये देखिए सब कुछ मैंने कट करके रख लिया है, सारा इंतज़ाम हो गया। अब उसके बाद मैं बनाना आपको तैयार करके दिखाऊंगी। और मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, समोसा चाट के लिए तो लाइक बनता है, एक लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर ज़रूर करिएगा। ये देखिए मेरा समोसा भी बन गया है, ये देखिए मैं समोसा दिखा दे रही हूँ आपको। और आपको समोसा की रेसिपी जानना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं समोसा की रेसिपी आपको अगले वीडियो में दिखा दूँगी। और ये देखिए सारा चीज़ है, यहाँ देखिए मेरा चाट तैयार हो गया है, देखिए ये देखिए तैयार हो गया है। और देखिए ये चाट को हम लोग फाइनल लुक दे दिए हैं समोसा वोसा डाल के, कैसा लग रहा है बताइएगा। देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है और खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए अब बनाते हुए फिर से तैयार थाली लगा दे रही हूँ। ये देखिए मेरा बेटा बना रहा है, और ये देखिए प्याज डाल दिया है, और प्याज व्याज डालने के बाद देखिए समोसा डाल दिया, प्याज डाल दिया, सेब डाल देगा, और उसके बाद सारा वो धीरे धीरे डाल रहा है, आप लोग देखिए। ये देखिए चटनी डाल दिया है, इमली का पानी डाल दिया है, अनार और नमक भी डाल दिया, काला नमक थोड़ा सा ऊपर से, सेब देखिए डाल दिया है। और ये देखिए सब कुछ तैयार हो गया है, और ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। और ये देखिए आप लोग देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा समोसा चाट की रेसिपी मेरा, और आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखिए आ जाइए आप लोग भी, समोसा चाट आप लोग के लिए भी मैं थाली लगा दी हूँ, आके खा लीजिए, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है समोसा चाट, ये लीजिए खा लीजिए। और जिस जिसको समोसा चाट पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। बाय, थैंक यू, कल मिलती हूँ।